विचारों से बचने का कारगर उपाय, ओसीडी वाले विचारों से बचने का कारगर उपाय, ओसीडी वाले विचारों से बचने का कारगर उपाय है क्या, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। वो उपाय है कि एक सड़क के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, विभिन्न कलर की गाड़ियां जा रही हैं, उसी प्रकार मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें से कुछ विचार ओसीडी वाले होते हैं। जिस प्रकार गाड़ी अलग अलग कलर की है, उसी प्रकार विचार अलग अलग है। जिस कलर की गाड़ी को रोका जाता है वही रुक जाती है, उसी प्रकार विचार जो ओसीडी वाले हैं उन्हें रोका जाता है तब वो रुकते हैं। तो इनसे बचने का उपाय क्या है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज मानसिक रोगों का आसान और सस्ता होता जा रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर के आ रही है। आज का वीडियो विचारों के बारे में है कि ओसीडी वाले विचारों से बचे कैसे। जिस प्रकार सड़क पर गाड़ियां जा रही हैं, बहुत से प्रकार की गाड़ियां सड़क पर चलती हैं, बहुत सारे उनके रंग होते हैं, जिस रंग की गाड़ी को रोका जाता है वही रुकती है। उसी प्रकार मन में बहुत सारे विचार होते हैं, कुछ विचार ओसीडी वाले होते हैं। ओसीडी वाले विचार कौन से हैं, जो बेचैनी लाते हैं, जो परेशानी लाते हैं, जो टाइम जाया करते हैं, जो उलझा लेते हैं, गंदगी में उलझाते हैं, साफ सफाई में उलझाते हैं, किसी चीजों की चेकिंग में उलझाते हैं, उन विचारों को रोकना नहीं है। जैसे जिस गाड़ी को हाथ किया जाता है सड़क के ऊपर वही गाड़ी रुकती है, उसी प्रकार मन में जिन विचारों को हाथ किया जाता है, जिन विचारों को रोका जाता है वही रुकते हैं। तो अब से ओसीडी वाले विचारों को रोकना नहीं है, उन विचारों को जाने देना है। जैसे आपने काले रंग की गाड़ी को रोकना नहीं है तो जाती रहती है, चलती रहती है, उसको नहीं हाथ किया वो नहीं रुकेगी। उसी प्रकार ओसीडी वाले विचारों को आपने मन में नहीं रोका तो वो नहीं रुकेंगे और बाईपास हो जाएंगे। तो ये कारगर तरीका है, विचारों को देखते रहें, रोके नहीं। ओसीडी वाली गाड़ी को मत रोकें। गलती यही होती है कि उसे रोकने का प्रयास कर दिया जाता है, ओसीडी में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को रोक दिया जाता है कि ये विचार आ रहे हैं, ये खतरनाक विचार हैं, ये आने ही नहीं चाहिए। ऐसे ही जब ये बात कही जाती है इन विचारों को कि ये विचार गंदा है, बुरा है, इसे नहीं आना चाहिए, ये परेशान करता है, तो उस विचार को हाथ मिल जाता है। जैसे जिस गाड़ी को हाथ किया जाता है वही रुकती है, तो ऐसा इस विचार को कहते ये विचार रुक जाता है। तो इस विचार को कुछ कहना नहीं है, बस देखना है कि गंदगी वाला विचार है, गंदगी वाला विचार, बस जाने दें, रोके नहीं। कुछ भी बात आगे बढ़ाई तो रिश्ता पक्का हो जाते हैं। जैसे आगे बात बढ़ाते हैं तभी रिश्ता होता है, तो ओसीडी वाले विचारों के साथ बात आगे ना बढ़ाएं, इनसे रिश्ता तोड़ दें, ना कि रिश्ता जोड़ दें। अगर इनसे बात की, इनसे आगे बातों में चले गए तो इनके साथ रिश्ता पक्का हो जाता है और बात आगे शादी तक पहुंच जाती है। तो इन ओसीडी वाले विचारों के साथ रिश्ता तोड़ना है, इन विचारों को रोकना ही नहीं है, इनके साथ बात ही नहीं की तो ये चले जाएंगे चुपचाप। जैसे मेरे एक बहुत गहरे मित्र दोस्त अमरेंद्रा ने बताया कि अगर घर में कोई मेहमान आता है उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, कोई बोलते नहीं है, बस आता है और बैठता है और कोई नहीं आता उसके पास तो चला जाएगा, फिर बाद में लौट कर नहीं आएगा, नाराज भी हो जाएगा। उसी प्रकार ओसीडी वाले विचार हैं, उनको ना बैठाना है, ना चाय पिलानी है, ना रोटी खिलानी है, कुछ भी खाना नहीं खिलाना है उन विचारों को, तो वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर उनके साथ बात की, खाना खिलाया, चाय पिलाई, तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, और रिश्ता पक्का होते ही शादी तो हो ही जानी है, और शादी के बाद क्या होता है आप सब समझदार हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये टिप्स आपको अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने ओसीडी के विषय में और अधिक जानना है तो वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी ले सकते हैं, चूकना जाना ऑनलाइन मुझे ओसीडी की बात बताना। अगर आप ओसीडी की बात बताते हैं तो थेरेपी के द्वारा उसका इलाज निश्चित मानिए। थेरेपी सीबीटी सीडीटी ईआरपी थेरेपी और द पावर ऑफ नाउ थेरेपी और श्रीमद भागवत गीता थेरेपी, आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं, समय से मैं शेयर भी करते हैं। इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ।